हे दोस्तों, वेलकम बैक टू रिक देव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15,000 रुपए के अंदर आने वाला टॉप 5 स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के बारे में, जो कि आप 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए बाय कर सकते हैं। और इस टीवी के माध्यम से आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए जो 5 स्मार्ट टीवी है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्राइस सेगमेंट पे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा यहाँ पर हम बातें नहीं करते। 15,000 रुपए के अंदर टॉप 5 स्मार्ट टीवी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर नंबर 1 पे मैं कौन सा टीवी को रखा हूँ वो भी चलिए मैं यहाँ पर आपको रिवील कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमने जो 5वें नंबर पे टीवी रखा है वो रखा है वीयू की तरफ से, वीयू सिनेमा 32 इंच LED रेडी स्मार्ट टीवी, जो कि दोस्तों आपको काफी बढ़िया व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कर देगा। इस स्मार्ट टीवी का जो खास बात यह है, जो स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी का बेजल्स काफी ज्यादा पतला है। और ये जो स्मार्ट टीवी एक HD रेडी का स्मार्ट डिस्प्ले के साथ आता है, उसके साथ साथ दोस्तों इस स्मार्ट टीवी पे आपको 40 वाट का 4 स्पीकर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपका जो साउंड क्वालिटी है इस टीवी का काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे कि आपको बेसिकली फीचर देखने को मिलता है इस टीवी पे, आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, अमेजन प्राइम वीडियो देखने को मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं अगर बात करूँ इस टीवी की ओरिजिनल प्राइस के बारे में, जो टीवी है फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, और इस टीवी का जो फ्लिपकार्ट पे प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 13,499 रुपए। और मेरे ख्याल से 13,499 रुपए के अंदर जो स्मार्ट टीवी है आपको काफी बढ़िया टीवी प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं 4वें नंबर टीवी के बारे में। 4वें नंबर पे हमने रियलमी का 32 इंच LED रेडी स्मार्ट टीवी को रखा है, जिसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है 12,999 रुपए, यानी 13,000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से 13,000 रुपए के अंदर यहाँ पर आपको काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको HD रेडी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस स्मार्ट टीवी का जो बेजल्स है वो भी काफी ज्यादा पतला है, नीचे आपको रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको 24 वाट का 2 स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, मैं अगर बात करूँ इस टीवी के प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको कलर गैमेट जैसा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, और जैसे कि नॉर्मल फीचर, वाईफाई, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि गूगल असिस्टेंट वगैरह इस टीवी पे देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए आप इस रियलमी टीवी को बाय कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए काफी बढ़िया टीवी रहने वाला है 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम बात करते हैं टॉप 3 स्मार्ट टीवी के बारे में, यानी नंबर 3 स्मार्ट टीवी के बारे में। तो नंबर 3 पे हमने जो टीवी रखा है वो रखा है MI की तरफ से MI 4A Pro स्मार्ट टीवी, जो कि आपको 32 इंच एक ही साइज पे देखने को मिलता है। ये जो टीवी है आपको HD रेडी डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस टीवी का जो बेजल्स है वो भी काफी ज्यादा पतला है, जहाँ पर आपको काफी बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड आपको MI का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि बेसिकली फीचर आपको देखने को मिलता है, HD रेडी का डिस्प्ले, 20 वाट का स्पीकर देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी पे आपको जो स्पीकर क्वालिटी है, यानी यहाँ साउंड क्वालिटी थोड़ा आपको थोड़ा लाउडली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीकर 20 वाट का देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है, और जैसे कि बेसिकली फीचर जैसे कि आपको देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वो सारा कुछ आपको इस स्मार्ट टीवी पे देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी पे आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से जो टीवी है आपको 15,000 रुपए के अंदर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। और आप अगर MI की तरफ से कोई भी टीवी बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों, आप इस MI टीवी को भी बाय कर सकते हैं 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए। और आप इस टीवी के माध्यम से छोटा मोटा गेमिंग भी कर पाएंगे, जैसे कि टेम्पल रन, और जो भी आपको टीवी पे एंड्रॉइड गेमिंग एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो सारा कुछ का यहाँ पर आप रन कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं जिस टीवी के बारे में, इस टीवी के माध्यम से आपको काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पर आपको काफी बढ़िया वीडियो एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 2 स्मार्ट टीवी के बारे में, जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला 32 इंच HD रेडी डिस्प्ले स्मार्ट टीवी, जो कि दोस्तों आपको गेम पैड के साथ देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, जो टीवी है आपको ऑनलाइन पे प्राइस देखने को मिलता है 13,999 रुपए, और ये जो स्मार्ट टीवी है आपको गेम पैड के साथ देखने को मिलता है। गेम पैड के साथ आपको अगर ये टीवी देखने को मिल रहा है तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस स्मार्ट टीवी का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए जो भी स्मार्ट टीवी आपको देखने को मिल रहा है उससे आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं अगर बात कर रहा हूँ गेमिंग के लिए, तो इस स्मार्ट टीवी पे आपको गेमिंग के लिए देखने को मिलता है क्वाड कोर प्रोसेसर, बट दोस्तों, इस गेमिंग का आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। और यहाँ पर आपको जो GPU देखने को मिलता है वो माली का 470MP3 वाला GPU है। तो इस स्मार्ट टीवी पे जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा 15,000 रुपए के अंदर रहते हुए, वो और टीवी से भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप अगर गेमिंग के साथ साथ टीवी का भी मजा लेना चाहते हैं तो मोटोरोला 32 इंच स्मार्ट टीवी को आप जाके बाय कर सकते हैं, जो कि आपको काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ काफी बढ़िया टीवी का जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वो आपको मिल जाता है। और
और उसके साथ यहाँ पर आपको नॉर्मल से फीचर जैसे कि गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब का भी सपोर्ट इस स्मार्ट टीवी पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप अगर गेमिंग लवर हैं और आप अगर टीवी पे गेम भी खेलना चाहते हैं तो मोटो वाला टीवी को आप जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी चलिए हम बात करते हैं नंबर वन यानी टॉप नंबर वन 15,000 रुपए के अंदर जो स्मार्ट टीवी आज की डेट पे लीड कर रहा है उस स्मार्ट टीवी के बारे में। तो दोस्तों 15,000 रुपए के अंदर जो स्मार्ट टीवी लीड कर रहा है आज की डेट पे वो है वन प्लस का टीवी। तो वन प्लस का टीवी कुछ ही दिन पहले ही इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ था, वन प्लस टीवी 32 इंच Y1 स्मार्ट टीवी, जो कि आपको 12,999 रुपए प्राइस सेगमेंट पे देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं अगर बात करूँ इस टीवी के बारे में, जो टीवी है आपको काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। इस टीवी का जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है, उसके साथ इस टीवी पे आपको HD रेडी का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और दोस्तों इस टीवी पे आपको कलर गैमट जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कलर गैमट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों आपका जो टीवी का जो कलर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। यानी आप पकड़ सकते हैं कि आपका जो टीवी का जो पिक्चर क्वालिटी है वो और टीवी से भी काफी ज्यादा इस सेगमेंट पे बढ़िया हो जाता है। तो आप अगर 15,000 रुपए के अंदर एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल स्मार्ट टीवी बाय करना चाहते हैं जहां पर आप गेमिंग भी कर पाए, जहां से आपको पिक्चर क्वालिटी टॉप ऑफ द नॉच देखने को मिले, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वन प्लस का वन प्लस टीवी 32 इंच Y1 स्मार्ट टीवी को जाके बाय कर सकते हैं।